नमस्कार, स्वागत है आपका ओम शक्ति टीवी में। श्री केदारनाथ मंदिर, इस मंदिर के बारे में तो आप जानते ही हैं कि ये मुख्य मंदिर है जहाँ पर 11वें ज्योतिर्लिंग के रूप में शिव जी की पूजा होती है। ऋषिकेश के 230 किलोमीटर दूर स्थित इस मंदिर तक पहुँचने के लिए 16 किलोमीटर पैदल चलना होता है। ये समुद्र तल से लगभग 11,746 फीट की ऊँचाई पर स्थित है। इस तीर्थ में गंगा, मधुवर्णा, शीरवर्णा, श्वेतवर्णा, सुचिवर्णा धाराओं में प्रवाहमान होती रही है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में ये स्थान आता है। कहते हैं कि केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का आधा भाग यहाँ केदारनाथ में है और आधा नेपाल की पशुपतिनाथ में है। पंच केदारों में मद महेश्वर दूसरा केदार है। शिव के मध्य भाग के दर्शन के कारण इसे मद महेश्वर नाम मिला। यहाँ मौजूद शिवलिंग की आकृति नाभि के समान है। यहाँ जाने के लिए रुद्रप्रयाग से केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग से उखीमठ पहुँचना होता है। उखीमठ से उनियाना गांव तक मोटर मार्ग से पहुँचा जाता है। इसके बाद रांसी गोंडार गांव से 10 किलोमीटर की चढ़ाई पार कर भगवान मदमहेश्वर के मंदिर तक पहुँचना होता है। यहाँ के लिए दूसरा मार्ग गुप्त काशी से भी है, जहाँ से कालीमठ तक वाहन से जाने के बाद आगे पैदल चढ़ाई करनी होती है। पांच केदारों में तुंगनाथ तृतीय केदार माना जाता है। महिष रूप में शिव का यहाँ नाभि से ऊपर और सिर से नीचे का भाग यानी धर प्रतिष्ठित माना जाता है। ग्रीष्मकाल में ही तुंगनाथ की पूजा होती है। शीतकाल में यहाँ की चल विग्रह मूर्ति मुकुमठ ले जाई जाती है, जहाँ शीतकाल में पूजा होती है। तुंगनाथ को जाने के लिए दो मार्ग हैं। एक उखीमठ से चौपताधार तक मोटर मार्ग से जाकर वहाँ से 3 किलोमीटर की चढ़ाई तय कर जाया जाता है, तो दूसरा गोपेश्वर मंडल होते हुए चौपताधार तक जाया जाता है। वहाँ से फिर से चढ़ाई चढ़नी होती है। पंच केदारों में चतुर्थ केदार रुद्रनाथ है, जहाँ भगवान शिव के मुखाकृति के दर्शन होते हैं। इसे पितरों का तारण करने वाला श्रेष्ठ तीर्थ माना जाता है। कहा जाता है कि रुद्रनाथ तीर्थ में ही देवर्षि नारद ने भगवान शंकर को कनखल में दक्ष प्रजापति द्वारा यज्ञ कराने के दौरान देवी सती के दाह की सूचना दी थी। भगवान रुद्रनाथ यहां गुफा में विराजते हैं। रुद्रनाथ पहुंचने के लिए पहला मार्ग गोपेश्वर के ग्राम गवार, देवलधार, किन्नखोली, किन महादेव होते हुए, दूसरा मार्ग मंडल, चट्टी, अत्री, अनुसूया आश्रम होते हुए, तीसरा मार्ग गोपेश्वर, सगर, जीवरागली, पंडार होते हुए, चौथा मार्ग ग्राम, देवर, मौनाख्य, नौलाख्य, पर्वत, पंडार, खर्क होते हुए जाता है। पंच केदारों में पंचवा केदार कल्पेश्वर है, जहां महर्षि रूप में भगवान शिव का यहां जटाजूट प्रतिष्ठित हुआ। यह तीर्थ उर्गम गांव में हरियाणावती नदी के पास है। यहां पहुंचने के लिए हेलंग चट्टी से पैदल जाना होता है। अलकनंदा पुल पार कर लगभग 7 किलोमीटर का पैदल रास्ता तय कर यहाँ पहुँचा जाता है। इस तीर्थ की उत्पत्ति देवराज इंद्र को ऋषि दुर्वासा के श्राप से मुक्ति लेकर कल्पवृक्ष की प्राप्ति से जुड़ी है। शिव तप के बाद इंद्र को भगवान ने कल्पवृक्ष दे दिया, इसलिए इसका नाम कल्पेश्वर पड़ा। ऐसी ही खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे ओम शक्ति टीवी। साथ ही लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।